हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। दिस इज राहुल। सुबह के बज चुके हैं 10 और यहाँ अभी साईं सो रहा है। आई होप गाइस कल आपने साईं की 2 AM मैगी काफी एंजॉय की होगी। ऐसे ही नए नए वीडियोस लेके मैं आपके सामने आता रहूंगा। तो गाइस टाइम हो चुका है अपनी डेली रूटीन को फिनिश करने का, उसके बाद करता हूँ मैं आपसे बात। तो फ्रेंड्स बज चुके हैं सुबह के 11 और साईं उठ गया है। क्या कर रहे साईं? खेल रहा है अपनी ट्रेन के साथ और इसने साबुन से बना रखा है फुल। और देखिए क्या कलाकारी हो रही है। तो गाइस देखिए यहाँ पे बज चुके हैं दोपहर के 12 और साईं की हो रही है साइकिल वॉश। गंदी हो गई थी, तेल तेल निकल रहा था इसमें से। हाँ। अच्छा ठीक है, आपको नहाना नहीं है? है ये बेटा बाथ टब है, आपने तो इसको खराब कर दिया है। पंचर हो गया हो तो देखिए यहाँ पे साईं अपनी साइकिल को घिस घिस के साफ कर रहा है। और साईं की नहाओ नहाओ हो चुकी है स्टार्ट। कपड़ा क्यों साइकिल की नहाओ नहाओ कराओगे? साईं अपनी नाव नाव मजे ले रहा है। इस टाइम हो चुका है खाने का और खाने में है दाल चावल रोटी, थोड़ी सी ककड़ी और शिमला मिर्च आलू की सब्जी। चलिए खा के करता हूँ मैं आपसे बात। तो गाइस यहाँ पे होने लगी है बारिश और मौसम हो चुका है काफी सुहाना और साईं एंजॉय कर रहा है बारिश को। साईं को काफी अच्छा लग रहा है। तो गाइस बाहर हो रही है बारिश, चलिए बनाते हैं पकौड़े क्योंकि चाय पकौड़े का मजा आता है बारिश में। डालेंगे कुछ आलू के टुकड़े, थोड़ी सी प्याज, धनिया और अदरक और उसका पेस्ट। गाइस बारिश का मौसम काफी रोमांटिक होता है, तो आप भी अपनी वाइफ के लिए, अपने लवर के लिए बनाइए कुछ ऐसी पकौड़े। चाय भी रेडी हो गई है। गाइस अब बनाते हैं करौंदे की चटनी, जिसमें है करौंदा, धनिया, मिर्ची और थोड़ी सी प्याज। और इसमें डालेंगे थोड़ा सा काला नमक, थोड़ी सी जीरे, हल्दी, डालेंगे थोड़ा सा चाट मसाला। तो हमारी यहाँ चटनी बनके हो गई है तैयार। यहाँ पर चाय पकौड़े चटनी बनके हो चुके हैं तैयार। तो गाइस यहाँ हमारे बरसाती मोहब्बती पकौड़े बनके हो चुके हैं तैयार। चार बज चुके हैं और साईं सो गया है। तो गाइस यहाँ वाइफ बेस्ट मटेरियल से बना रही हैं कुछ ड्रेसिंग। चलिए देखते हैं जब ये फाइनल हो जाएगा ये क्या बन रहा है। गाइस शाम के बजने वाले हैं 6 और बाबा का कितना सुंदर श्रृंगार किया गया है। जय जय साईं राम। तो यहाँ पे गाइस साईं सो के उठ गया है और अपना मिक्सर ट्रक ढूंढने लगा है। टाइम हो चुका है खेजरा मंदिर चलने का। जय जय सियाराम। हनुमान जी के दर्शन हो चुके हैं। अभी साईं रूठ गया है कि पापा जी मुझे पार्क चलना है, तो चलिए ले चलते हैं साईं को पार्क घुमाने के लिए। अभी हम आ चुके हैं अपने नए घर की कॉलोनी के पार्क में और ये है पीछे का व्यू। अभी कॉलोनी डेवलप हो रही है तो कुछ टाइम लगेगा। यहाँ पे साईं एंजॉय कर रहा है। गाइस कोरोना के कारण बच्चे बाहर खेलना ही भूल गए हैं।
तो गाइस टाइम हो चुका है घर चलने का, साई ने काफी मस्ती कर ली है, चलिए चलते हैं अपने घर की ओर। चलो चलते हैं। फाइनली हम पहुंच चुके हैं घर। तो गाइस यहां पे साई एंजॉय कर रहा है बीपी। शाम के बज चुके हैं 7:30। डम ट्रक बज चुके हैं रात के 11:15 और साई ने यहाँ पे सारे खिलौनों को अपने बिस्तर पे फैला लिया है। देखिए मस्ती चल रही है। फ्रेंड्स आ गया है हमारा खाना और खाने में है बैगन भरता, रोटी, खिचड़ी और प्याज। चलिए खा के करता हूँ आपसे बात। फ्रेंड्स खाना हो चुका है, अब मैं देखूँगा अपना फेवरेट सोप गुम है किसी के प्यार में। फाइनली गाइस यहाँ बज चुके हैं रात के 1 और टाइम हो चुका है आपको टाटा बाय बाय अलविदा कहने का। आज का ब्लॉग आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगले ब्लॉग के साथ मैं बहुत ही जल्द आऊँगा, तब तक के लिए बाय बाय।